The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, मैं हूं विपिन तिवारी और मेरे साथ हैं मनोज पाठक जी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 30,42,000 करोड़ का बजट पेश किया। आज हम इस बजट के बारे में उसके बारे में चर्चा करेंगे। पाठक जी, कृषि को लेकर के जो वित्त मंत्री ने 16 सूत्री कार्यक्रम दिए और जो बाकी बातें कही, वो उसके मुख्य बिंदु क्या हैं और उसके बारे में? उसमें बेरोजगारी को कृषि के जरिए दूर करने को भी लेकर के जो सरकार का विजन है, और मैं अक्सर इस बात को लेकर के रखता भी रहा हूँ इस बात को, कि देश से बेरोजगारी दूर करने का सर्वोत्तम उपाय कृषि ही हो सकता है। और जब तक सरकारें कृषि पर फोकस नहीं करेंगी, कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगी, देश से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। एग्रीकल्चर लोन के लिए NBFC को भी उसके दायरे में लाया गया कि अब NBFC भी जो है एग्रीकल्चर लोन दे सकें वहाँ पर जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि व्यवस्था को लेकर के उदासीनता थी वो लोगों की दूर होगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ रही इसमें, जो भंडारण की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही है कृषि उत्पादों के साथ, क्योंकि वो ऐसे सामान हैं जो उत्पादन के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं। उनको लेकर के भी एक किया गया है कि ब्लॉक स्तरों के और तालुका स्तरों के शहरों में कृषि भंडारण के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने को लेकर के भी सरकार ने उनके निर्माण के लिए भी आगे आने का कार्य किया है उस पर। फिर एक बात और कही गई है इसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उसके लिए रेल, बिना बाधा के रेल की सुविधा, और उसमें जो वातानुकूलित रेल हैं जिनके जरिए रेफ्रिजरेटर वाले, उनके जरिए उन चीज़ों को पहुंचाने की बात कही गई है। उसमें ये उड्डयन मंत्रालय को भी शामिल किया गया है कि उसके लिए जो हवाई यात्राएं हैं, हवाई यात्राओं के जरिए भी उन उत्पादों को वहां तक पहुंचाया जाए, कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात कही गई है सरकार का। स्वास्थ्य को लेकर के सरकार के इस बजट में भी स्वास्थ्य बातें कही गई है। हाँ, वो भी बड़ा बेहतर रहा है। स्वास्थ्य जो मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 12 नई बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की बात कही गई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुष्मान भारत को लेकर के, आयुष्मान योजना के तहत जो सबसे बड़ी समस्या ग्राम्य भारत की थी, वो समस्या थी कि वहाँ अस्पताल ही नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। तो अस्पताल नहीं थे तो उन जगहों पे कुछ जिलों को चिन्हित करके, और वहाँ पे मतलब 112 जिलों को 112 जिलों को चिन्हित करके महत्वाकांक्षी जिले प्रधानमंत्री ने घोषित किए थे, उसको लेकर के उनको फोकस किया है कि वहाँ से हम वो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें कि वहाँ अस्पतालों का निर्माण हो सके। जिला स्तर के जो अस्पताल हैं उनका, उस पर अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का खोलने की बात वहाँ पे कही गई है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे कि वहाँ से पढ़ करके बच्चे और डॉक्टर बन सकें और भी लोग आगे आ सकें। बिल्कुल। ODF प्लस का एक नया कंसेप्ट आया है, इसके तहत जो ग्रामीण इलाकों में ODF हो गए, यानी ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए जी, जी। अब वहाँ पे लिक्विड मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो पानियों का निकासी है, फिर जो ग्रामीण इलाकों में जो कूड़ा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट क्या हो। पशुओं में बीमारियों को लेकर के भी चिंता जताई गई है। हाँ, फूट एंड माउथ डिजीज का जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में किसानों को परेशान करता है। हाँ, जैसे और बड़ा तेजी से पशु मर जाते हैं, पशु मरते हैं उसमें एक, तो उनके लिए भी टीकाकरण की बात कही गई है सरकार के द्वारा। इसमें 103 लाख करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का घोषणा की थी, जिसमें रोड हो गया, हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, पाइपलाइन के थ्रू गैस हो गया, रेलवे हो गया, इन सारी चीजों में लेकर के उसमें लगने जल मार्ग को, जल मार्ग से लेकर के वो सारी चीजें भी होगी। तो इस चीज को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया है। हाँ, और साथ ही 100 नए एयरपोर्ट, जो अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट बनाने की उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी, तो इस बार भी अगले एक साल में 100 नए एयरपोर्ट की। शायद एक और मसला है सर इसमें जो मैं देख रहा था,
कि 50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की बात सरकार ने कही है। इस बार शिक्षा के क्षेत्र को भी छोड़ा नहीं गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी 50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, बात तो कही है। इस बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जो बिजली है उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पिछले कार्यकाल में जो सरकार का मुख्य फोकस था वो हर घर तक बिजली पहुँचाने का था। इस बार निर्मला सीतारमन ने एक घोषणा की है, एक स्मार्ट एंड प्रीपेड मीटर जो लगाने का है। उससे क्या होगा कि बिजली के इसमें जो चोरी की बात रही, बिजली की चोरी और उसमें मतलब बिजली कंपनियां भी जो ज्यादा बिलिंग और इन सब को लेकर उससे बचत हो जाएगी। ओके, और सौर ऊर्जा को लेकर के विशेष जो प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, उसमें किसानों को भी जोड़ा गया है। हाँ, वो जो 16 पॉइंट है उसमें कि जो 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात कही गई है 20 लाख किसानों को। एक और चीज जो अगर हम उद्योग धंधे की तरफ बात करें तो इस बार सरकार ने कहा है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यानी घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई मोबाइल उत्पादन में हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करता है, बनाता है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसमें सरकार मदद करेगी जी। अब आते हैं हम कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए और कंपनियों से जुड़े हुए बातों के लिए। इस बार उन्होंने कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि जो अगर सिविल ऑफेंस है, अगर किसी कंपनी द्वारा जो कंपनी एक्ट में सिविल ऑफेंस ही है जी, क्रिमिनल ऑफेंस तो अगर आप कंस्पिरेसी करते हैं तब होता है। अगर आपने काम नहीं किया या टैक्स नहीं दिया कोई कंस्पिरेसी नहीं तो सिविल ऑफेंस हुआ, तो सिविल ऑफेंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। फिर एक और चीज़ को लेकर के पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल रहता है कि हम बैंक अकाउंट में जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, बिल्कुल भी बढ़ गया था। हाँ, वो मिनिमम गारंटी की जो बात है जिसे 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दी, मतलब हालांकि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे भी रहे हैं। उन मुद्दों में जैसे LIC का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, उसमें IDBI बैंक से कुछ ये करने की बात भी कही गई है उसमें, बिल्कुल वो तो खैर विस्तार का विषय है, उसकी विस्तृत अध्ययन के बाद की बात होगी। लेकिन इस बार के बजट में जो सबसे लॉन्ग टर्म जो प्रपोजल रहा वह रहा डायरेक्ट टैक्स रिजीम में एक बदलाव का। मैं पिछली बार भी जब बजट आया था तो एक लेख लिखा था छोटा सा अपना ब्लॉग में, उसमें मैंने कहा था कि आम आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कितना डिडक्शन ले, कितना रिबेट ले, इतने सारे क्लॉज हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो अब जितना उलझा हुआ कोई लॉ बनाएंगे उसके कंप्लायंस उतने ही टफ हो जाते हैं, यानी आदमी से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो आम आदमी के साथ आप उसको सही सही पालन करें उससे अच्छा है कि आप उसको जितना सरल सिंप्लीफाई कर दे, जितना सरल हो सके, जितना सरलीकरण हो इसका, आम भाषा में समझ में आ जाए, इतना आया आपको इतना करना है। हालांकि दो ऑप्शन दिया है उन्होंने, एक जितने डिडक्शन है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी क्योंकि अभी एक रिजीम चेंज हो रहा है। हाँ। वित्त मंत्री ने कहा एक पैटर्न से हम दूसरे पैटर्न पे जा रहे हैं, क्योंकि यह एक एक्सपेरिमेंटल भी है, तो भी देखना चाहेंगे कौन कितना सक्सेस होता है उस स्ट्रीम पे जाना चाहिए। प्रयोगात्मक तो है उसमें, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि स्लैब तो चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जितने बाकी सारे आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन आपका खत्म, आपका इतना इनकम हुआ इस स्लैब में, आप इतना इनकम आप इतना टैक्स आप देंगे। तो अगर आप ये चीज आप देखेंगे ना तो जो हायर एंड वाला है, जो अब जो उच्च आय वर्ग वाला है, जो 15 लाख 10 लाख से ऊपर वाला आय वर्ग वाला, 10 लाख से ऊपर ठीक है, तो वो जान सामान्यतः एक CA की सेवाएं लेते ही हैं, तो उनको तो आप जिस तरह से भी ले वो ले सकते हैं। लेकिन जो निम्न आय वर्ग वाला है उनको CA के पास जाने या किसी एक्सपर्ट के पास जाने से छुटकारा मिल जाएगा, एक सामान्य सा फॉर्म हुआ आपका इतना इनकम हुआ, विशेष करके सैलरीड एम्प्लॉई वो जब नए तरीके में आएंगे, नए तरीके विशेष करके सैलरीड एम्प्लॉई के लिए जी, उनके पास तो इनकम कितना हुआ वे ऑलरेडी रिटेन है, चूंकि 5 लाख तक तो आपको अगर 5 लाख से कम का आपका सैलरी है फिर आपको CA के पास जाने और किसी और इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत है नहीं। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से नीचे हुआ तो आपको 0 टैक्स देना है। हाँ, अच्छा,
ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका 5 लाख से ऊपर हुआ, इस लैब को आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, विस्तार से मैं बताऊंगा विस्तृत कि एक जो हमारा 0 से 2.5 लाख तक है वह है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, यानी कितना भी आपका आय हो वो उसमें से 2.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर आता है हमारा 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब। हाँ, जिसमें हमारा 5% का 5% की बात स्लैब है। हाँ, लेकिन सपोज कर लीजिए पूरे साल में जो मेरा इनकम हुआ वह काउंट हुआ 4,99,000, तो 2.5 लाख तो पहले डिडक्शन हो गया था, उसमें कुछ टैक्स तो लगना नहीं है। फिर 2,49,000 जी, तो इस 2,49,000 पर सामान्य प्रक्रिया में हमें 5% टैक्स देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा जो टोटल आय है, कुल आय है, वो 5 लाख से नीचे है, इसलिए 2,49,000 पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा, एक कंडीशन ये हो गया। अब कंडीशन आता है कि हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ वो 5,50,000 हो गया। ठीक है, तो 2.5 लाख तो इसमें से निकल गया, एग्जम्प्टेड हो गया बिल्कुल। अब बचा 2.5 लाख से 5 लाख, ये 2.5 लाख पर हमें देना होगा 5% के रेट से टैक्स। अब फिर बचा 5,50,000, यानी 50,000 हो, उस 50,000 पर हमें 10% के रेट से टैक्स देना होगा। यानी जैसे ही आप 5 लाख के बैरियर को क्रॉस करेंगे आपको सीधे 2.5 लाख से टैक्स देना होगा। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे दिल्ली की बिजली का है। हाँ, कि अगर आप 200 यूनिट से नीचे हैं, हाँ, तो आपको बिल नहीं देना है। हाँ, लेकिन जैसे ही 200 यूनिट के बैरियर को आप क्रॉस करते हैं, 201 यूनिट के हो जाते हैं, तो आपको पूरे 200 यूनिट पूरे 200 यूनिट का भी बिल देना होगा। तो ठीक है, वैसे ही है जी, कि आप उसके नीचे हैं तो 0 है, लेकिन जैसे ऊपर हुए आप पूरे नीचे से आ जाएंगे। यानी उसमें जो 2.5 लाख से 5 लाख का है उसको सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं रखा है, उसको एग्जम्पशन में रखा है। यानी इसके नीचे रहेंगे तो आप एग्जम्प्टेड हैं, अदरवाइज ये सारी दरें किस प्रकार है आयकर की? ये आयकर की दरें मैं एक बार आपको बता दूं जी, ये आपको है 5 लाख तक तो आपका अगर इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वो क्या उसमें शर्त क्या है, वो शर्त अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा 5,00,000 से 7,50,000 तक 10% का टैक्स है। हाँ, और 7 लाख पहले कितना था? पहले 20% पहले 20% था। पहले 5,00,000 से 10,00,000 तक 20% था। अब उसको 2 स्लैब में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 5,00,000 से 7,50,000 तक 10% और 7,50,000 से 10,00,000 तक 15%। अच्छा, मतलब यहाँ पे 5,00,000 से लेकर के 10,00,000 के बीच में 10% का फायदा हो रहा है, और 10 और 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक में 5% का फायदा हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा 10 लाख से 12.5 लाख तक, जो यहाँ पे पहले हमारा दर था वो 30% का दर था। तो 10 लाख से 12.5 लाख तक सरकार ने इसको 20% कर दिया है, और फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% कर दिया है। जो ओल्ड हमारा टैक्स था, पुराना टैक्स, वो 30%, मतलब फाइनली लास्ट में भी यदि 15 लाख तक भी जाते हैं तो आपको 5% 12.5 से 15 के बीच में भी 5% का फायदा मिल रहा है। 15% से ऊपर अभी भी 30% लगेगा, पहले भी 30% लगता था। इसके अलावा एक और चीज हुआ है जो अभी हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, वह है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स को खत्म कर दिया गया है जी। जो कंपनियां डिविडेंड वगैरह देती थी, जो डिविडेंड पे टैक्स लगता था, उस डिविडेंड टैक्स को भी खत्म कर दिया गया है। और वित्त मंत्री ने एक चलते चलते एक और भी बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो इनकम टैक्स को लेकर के जी डिस्प्यूट होते हैं, केस होते हैं। हाँ, आप कई लोग ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ये बड़ी बात, जिसको लेकर के सरकार ने एक वन टाइम स्कीम लेकर के आई है, विवाद से विश्वास तक, यानी नो डिस्प्यूट ट्रस्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत तो सरकार ने कहा है कि जो फाइन लगाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, हम उस फाइन को फॉरगो कर देंगे, माफ कर देंगे। जो इंटरेस्ट लगाया है उस इंटरेस्ट को भी हम माफ कर देंगे। जो हमने ओरिजिनल टैक्स डिमांड है उस टैक्स को आप जमा कीजिए, दो कदम आप आगे बढ़ो, दो कदम हम आगे बढ़ते हैं, और इस मामले को यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं। तो ये था आज 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लिए पेश किए गए बजट पर
एक संक्षिप्त चर्चा है।